फ्रेंड्स नमस्कार करता हूँ आप सभी को और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रमन इंडियन में। दोस्तों मेरे चेहरे की खुशी देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों 14 तारीख को एक सर्कुलर जारी होता है इंडियन रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, और उसमें जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं सभी के लिए एक खुशखबरी शामिल होती है। वो खुशखबरी यह होती है कि जितने भी स्टैंड बाय के कैंडिडेट हैं उन सभी का वेटिंग लिस्ट किसी न किसी रूप में क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे वो इंडियन के रूप में हो, चाहे वो रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में हो, जिस तरह भी हो उनका वेटिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, और इस उपलब्धि का श्रेय हमारे तमाम उन मित्रों को जाता है जिन्होंने देश के कोने कोने में समय समय पर प्रोटेस्ट किया, अपना 100% योगदान दिया। उन सभी दोस्तों को, उन सभी मित्रों को, उन सभी भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और आप ही के मेहनत का ये नतीजा है कि आज जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उन सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आई है। दोस्तों जहाँ तक इस सर्कुलर की बात की जाए जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी का वेटिंग क्लियर हो। इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उन सभी प्रोटेस्ट कोई न कोई बोर्ड में जाकर होता था, और प्रोटेस्ट के बाद अगर जीएम का आदेश होता था, सीपीओ का आदेश होता था, तो उनमें से जो उनका अध्यक्षता कर रहे थे प्रोटेस्ट का, उनको बुला के बातें की जाती थी, उनसे एप्लीकेशन लिया जाता था लिखित के रूप में कि आपकी क्या समस्या है आप हमें दीजिए, हम इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो उस समय जीएम, सीपीओ ये सभी का कहना होता था कि वेटिंग तो हम क्लियर कर सकते हैं लेकिन हमें ऊपर से आदेश आएगा तब। लेकिन दोस्तों अब खुशी इस बात से जाहिर हो रही है कि ऊपर से ही आदेश हम लोगों के लिए आ गया है। जितने भी जीएम हैं, जितने भी सीपीओ हैं, इन सभी को, इन सभी बोर्ड को, इन ऑल जोनल को, जोनल ऑफ रेलवे को, सभी को आदेश दिया गया है कि आप इन लोगों की वेटिंग क्लियर कर दें, आप हमें इसका लिस्ट बना कर दीजिए और उस लिस्ट को हम अप्रूवल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा उठ के एक बात आता है, और मुद्दा यह है कि हमें ऊपर से तो ऑर्डर मिल चुका है, ऊपर से ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अब सब कुछ सारा दारोमदार रेलवे के और उस बोर्ड के जीएम के ऊपर है, सीपीओ के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। मैं इस संदेश के तहत अगर मेरी बातें अजमेर के छात्रों तक पहुंच रही है, अजमेर और भोपाल, खासकर मैं अजमेर की बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी अजमेर से ही वेटिंग में हूं। अगर अजमेर के छात्र वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट मेरे इस बातों को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उन सब से मेरी अपील है कि आप जो भी अजमेर बोर्ड के नज़दीक हैं, जो भी जिनका गांव आसपास है, वो 10, 15, 20, 50 मित्रों को लेकर जीएम के ऑफिस में जाएं, उन्हें अपनी बातें रखें कि सर ऊपर से तो ऑर्डर हो चुका है आप लोगों को लेने का, प्लीज़ हम लोगों का अब वेटिंग क्लियर किया जाए, 4 साल होने को चला है, हम लोग बहुत परेशान हैं, किन स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं ये शायद आपको पता होगा। तो इसीलिए मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूँ कि अजमेर बोर्ड जाएं, और इसके साथ साथ मैं 21वें बोर्ड के वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने बोर्ड जाएं, वहाँ के जीएम को प्रेशर बनाएं ताकि वो सभी का वेटिंग लिस्ट का लिस्ट बनाकर
वो अप्रूवल के लिए दिल्ली भेज दे। अब सब कुछ जीएम के हाथों में है दोस्तों, रेलवे के जीएम सीपीओ के हाथों में है दोस्तों, हमारे भविष्य हमारे तकदीर। अब वही निर्णय करेंगे कि हमारे अगला भविष्य क्या होगा। इसीलिए मैं सभी मित्रों से आप निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने वार्ड में जाएं। इससे पहले हमारी लड़ाई एक होती थी, केवल दिल्ली तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए। अब दिल्ली से अप्रूवल मिल चुका है, इसलिए अब लड़ाई पार्टिकुलर स्पेशली अपने अपने बोर्ड के लिए है। अपने अपने बोर्ड में जाएं और वहां के जीएम सीपीओ को ये प्रेशर बनाएं कि हम लोग जो वेटिंग में हैं उन सभी का लिस्ट बनाकर आप दिल्ली भेज दें, ताकि हम लोग भी अपने भविष्य को संवार सकें, हम लोग भी रेलवे को ज्वाइन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, और एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह 4 साल के इंतज़ार का फल है, हमारे मेहनत का फल है, जो आप लोगों ने कर्तव्य निष्ठा से अहिंसा का रूप अपनाते हुए प्रोटेस्ट को जारी रखा, उन्हीं का मेहनत ये रंग आज लाया है। दोस्तों, हमारी बातें जितने भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट सुन रहे हैं, लेट न करते हुए, देर न करते हुए अपने अपने बोर्ड के जीएम से मिलें, सीपीओ से मिलें और उन्हें अपनी बातें रखें। अब उन्हीं के हाथों में हमारा भविष्य आकर फंस गया है। वो अगर चाहे तो हमारा भविष्य बन जाएगा, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अपने अपने बोर्ड में जाएं और जीएम से मिलें, उन्हें अपनी बातें सुनाएं। और ये दोस्तों, पहले क्या होता था कि प्रोटेस्ट में हमारी बातें दिल्ली तक तो पहुंचती थी, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार हमारी बातें दिल्ली तक पहुंची भी है और उन बातों को संज्ञान में भी लिया गया है। और दिल्ली इस बातों को देखते हुए कि अगर मैं एक बोर्ड को अप्रूवल देता हूं, फिर दूसरा बोर्ड आएगा, फिर तीसरा बोर्ड आएगा, फिर चौथा बोर्ड आएगा अप्रूवल लेने के लिए। इसलिए वर्तमान समय में चल रहे प्रोटेस्ट जो पटना महेंद्र घाट में चल रही है, केवल पटना को ही अप्रूवल न देते हुए ऑल जोनल रेलवे को अप्रूवल दे दिया गया है, ताकि बार बार कोई दिल्ली तक अपनी बातों को, अपनी समस्या को लेकर परेशान ना हो, यहाँ तक ना आए, परेशानी ना झेले। इसलिए एक बार में ही सर्कुलर जारी कर सभी को, ऑल जोनल रेलवे को मैसेज भेज दिया गया है, चिट्ठी भेज दी गई है। और ये चिट्ठी 19 मई तक, जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों में, 2-4 दिन में 19 मई होगा, 19 मई तक ऑल जोनल रेलवे को लिस्ट बनाकर दिल्ली भेजना है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं फिर से एक बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने बोर्ड में जाकर जीएम से मिले, सीपीओ से मिले और अपनी बातों को रखें, उन्हें सब कुछ बता दें, ताकि वो आगे हम लोगों का लिस्ट बनाकर भेज दें। इन्हीं सब बातों से एक बार फिर वेटिंग लिस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान आई है। मैं भी खुश हूँ इन सब बातों से। इसलिए दोस्तों, ये खुशी जाहिर कैसे करूँ, लेकिन आप लोग भी खुश होंगे। बस भगवान से दुआ है, प्रार्थना करता हूँ कि सभी की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को देखा है, बहुत सारी परेशानियों को झेला है, किन किन स्थितियों से गुजरा है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी उस स्थिति से गुजर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि बस कुछ दिन और धैर्य रखें, हमारी बातें भी सुनी जाएगी। और कहा भी जाता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज साबित होने चली है। तो इन्हीं सब बातों से फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर एक नए टॉपिक लेकर। और इस चैनल पर जो भी मेरे नए साथी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही रेलवे संबंधित बातों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।